दिल्ली में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चांदनी चौक और लाजपत नगर मार्केट में हजारों लोगों की भीड़ है, विजुअल दिखाएं। बाजारों में ताक पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है। लक्ष्मी नगर समेत कई मेट्रो स्टेशन बस स्टैंड पर भारी भीड़, पूरे विजुअल दिखाएं। जो हमारे पास थ्री विंडो में विजुअल है वो दिखाएं। ये दिल्ली का हाल है। ये हाल है आपकी दिल्ली का। खैर बहरहाल, अब मैं अपने दर्शकों को बता दूं, उमेश मेरे साथ है। यूपी में कड़ाके की ठंड के बीच 15 दिनों के लिए बंद हुए प्राइमरी स्कूल। 31 दिसंबर तक, 14 जनवरी तक स्कूलों में रहेगी छुट्टी। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक बच्चों की रहेगी छुट्टी। यूपी के सभी बोर्ड के स्कूलों पर गाइडलाइंस लागू। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ उमेश जी मौजूद है। उमेश भाई, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बताया ठंड जा रहा है, कहीं मामला कोरोना का तो नहीं है? देखिए, इस आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मामले सामने आए हैं, आज की अगर बात की जाए तो 480 मामले अभी भी हैं जो कोरोना पॉजिटिव के केसेस हैं, और इसमें पिछले दो दिनों में खासा उछाल आया है। लगभग 180 मामले सामने आए हैं। तो जिस तरीके से बाउंस बैक वापस हो रहा है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि ठंड का भी बहाना हो सकता है, क्योंकि पहले 26, 27, 28, 29 तारीख में जिस तरह से ठंड पड़ी, उन दिनों इस तरह से कोई फैसला नहीं लिया गया। लेकिन अब फैसला लिया जा रहा है कि 1 जनवरी से 14 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जिस तरीके से चुनाव आयोग भी आज यहां पर था, उसने भी इस पर चिंता जताई है कि जिस तरीके से दो दिनों में मामले बढ़े हैं, ओमिक्रॉन के जो मामले आए हैं, और जिस तरीके से रैलियां यहां पर आयोजित की जा रही हैं, भीड़ हो रही है, उसको लेकर के उनका भी कहना है। मैं आपकी बात को आगे लेके जाऊंगा। उमेश जी, यहाँ पर मेरे अपने दर्शकों के से एक बड़ा सवाल है, ध्यान से बताइएगा मुझे, क्या ये देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि जो स्टेट्स का हाल है, वो स्टेट्स किस ओर इंगित कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, जूम इन करें इस ब्लॉक को मैप के साथ। क्या हम फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? दिल्ली येलो अलर्ट, नाइट कर्फ्यू, स्कूल, जिम, धार्मिक स्थल बंद। दिल्ली का मैप कटना होने पाए, पूरा मैप दिखाएं यहां पर। ये यहां पर हमारे साथ है, ये देखें आप। नेक्स्ट चीज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये है, ध्यान से देखें आप, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। 50% क्षमता से चलेंगी मेट्रो और बसें। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। महाराष्ट्र 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक धारा 144 लागू। नेक्स्ट चेंज करें इसको। नए साल के जश्न पर पूरी तरह से रोक। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, प्राइमरी से 12वीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड, एंट्री के लिए वैक्सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट जरूरी। नेक्स्ट चेंज करें। एंट्री के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य हो गया है। राजस्थान की बात करते हैं, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। नेक्स्ट यहां पर चेंज करें इसको यहां पर। 31 जनवरी से बाहर निकलने के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य है, कंपलसरी। पंजाब की बात करें, 15 जनवरी से बाहर निकलने के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। कोरोना टेस्टिंग बढ़ने के आदेश। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए, तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।